होकाइडो में ठंड बढ़ते ही जा रहा है। मिनामी एक स्नोमैन बनाकर उसके साथ अपना एक फोटो खींचती है। फिर स्कूल में आकर वो सुबासा को इस वीकेंड में विंटर फेस्टिवल में आने के लिए कहती है और सुबासा इसके लिए राजी हो जाता है। वीकेंड के फर्स्ट दिन मिनामी ब्रेकफास्ट के दौरान सुबासा को मैसेज करके कल 11 बजे कितामी स्टेशन में आने के लिए कहती है। सुबासा सोचता है फेस्टिवल में हम दोनों एक साथ जाएंगे, क्या ये एक डेट नहीं हो जाएगा। फिर मिनामी उसे वही स्नोमैन वाला फोटो भेजती है। इसे देखकर सुबासा शर्म से पानी पानी हो जाता है। अगले दिन वो मिनामी के घर जाता है और वो दोनों मिलकर विंटर फेस्टिवल में आते हैं। स्नो से बने हुए स्ट्रक्चर्स के साथ दोनों फोटो खींचते हैं। फिर बाजार में मिले टेस्टी खाना खाते हैं। मिनामी को याकितोरी बहुत अच्छा लगा, फिर भी उसका मन सुबासा के कॉर्नडॉग को खाने को भी कर रहा था। वो उससे एक बाइट लेती है। सुबासा सोच में पड़ जाता है कि अब वो ये कॉर्नडॉग कैसे खाएगा, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। फिर भी वो इसे एक नॉर्मल बाइट समझ के खा लेता है। फेस्टिवल में दोनों स्नो फाइट करते हैं, डांस देखते हैं और बहुत मजा मस्ती करते हैं। मिनामी कहती है, सुबासा तुम्हारे वजह से मैं होकाइडो को और भी पसंद करने लगी हूँ। जब भी मैं तुम्हें मजा मस्ती करते देखती हूँ तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मुझे खुशी है कि आज मैं तुम्हारे साथ इस फेस्टिवल में आई। इसे बात करते हुए मिनामी का पैर फिसल जाता है, पर सुबासा उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। ये इन दोनों के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट था। घर जाते टाइम सुबासा कहता है, हे क्या हम कभी कोई और जगह घूमने चले। मिनामी कहती है, क्या तुम फिर से मेरे साथ घूमना चाहते हो। सुबासा कहता है, वेल जरूरी नहीं कि सिर्फ हम दोनों ही जाए, तुम अपने दोस्तों को भी साथ बुला सकती हो। आज स्कूल में जब सुबासा लंच खाने जा रहा था तब मिनामी आकर कहती है, हे चलो आज हम मिलकर लंच करें। वो उसके लिए कप नूडल्स लाई थी, इसे रेडी करके वो सुबासा को खिलाती है। सुबासा को ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी कप नूडल्स नहीं खाया था। क्लास में सुबासा कहता है, मैं पहले कभी किसी फेस्टिवल में नहीं गया था। किसी कन्वीनियंस स्टोर से सामान खरीदना और किसी लड़की के घर जाना, ये सब मेरे लिए नए एक्सपीरियंस है। मिनामी कहती है, तुम तो सच में एक अमीर बिगड़ल बच्चे की तरह हो। आखिरकार तुम टोक्यो से जो हो, मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा औरा हम सबसे अलग है। सुबासा कहता है, ऐसा नहीं है, मेरा फैमिली बहुत अमीर नहीं है। मिनामी कहती है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने घर आने दो। हमेशा की तरह आज भी सुबासा मिनामी को मना नहीं कर पाया। रास्ते में जाते टाइम वो सोचता है, अब मैं क्या करूँ, घर में तो दादी माँ होंगी। रास्ते में मिनामी को एक छोटा सा इग्लू मिलता है जिसे शायद किसी छोटे बच्चे ने बनाया होगा खेलने के लिए। वो उसके अंदर घुस जाती है और सुबासा को भी अंदर ले आती है। सुबासा को इसके अंदर बहुत ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि दोनों बहुत क्लोज थे। शर्म के मारे वो बाहर आ जाता है। इस टाइम उसे एक लेडी देख लेती है। वो कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। सुबासा बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये लेडी उसकी दादी माँ है। तभी मिनामी उसके पास आकर पूछती है, ये लेडी कौन है। वो ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि ये सुबासा की दादी माँ है। वो खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि कल उसने सुबासा का टिफिन खाया था जो बहुत ही टेस्टी था। वो दादी माँ की कुकिंग की बहुत तारीफ करती है। दादी माँ कहती है, तारीफ करने के लिए शुक्रिया, पर मिनामी तुम्हारा सुबासा के साथ क्या रिलेशन है। मिनामी के कुछ बोलने से पहले ही सुबासा कहता है, वो मेरी सिर्फ एक क्लासमेट है। इसके बाद दादी माँ सुबासा को अपने साथ ले आती है और मिनामी को वही छोड़ देती है। सुबासा मन में कहता है, गुड बाय मिनामी। दादी माँ उन लोगों से नफरत करती है जो रिलेशनशिप में बहुत ओपन होते हैं। लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी मिनामी आकर दादी माँ से कहती है, आपको छाता बंद कर देना चाहिए। अगर आप बर्फ में फिसल गए और आपके हाथ फ्री नहीं है तो आपको गहरी चोट लग सकती है। यहाँ एक क्रॉस वॉक है, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। जल्दी इस तरफ दादी माँ, मुझे अपना सामान दे दीजिए। सुबासा उससे बैग्स लेते हुए कहता है, इसे मैं पकड़ लूंगा, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। मिनामी कहती है, मैं ऐसे किसी पर गुस्सा क्यों होंगी जो मेरा सिर्फ एक क्लासमेट है। सुबासा कहता है,
दादी माँ के आगे ये बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट एक्चुअली में तुम मेरी एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो, मीनामी कहती है। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ सुभाषा? सुभाषा कहता है, कम ऑन मुझे शर्मिंदा मत करो। मीनामी के हेल्प से ये दोनों घर जल्दी पहुँच जाते है। घर में दादी माँ दोनों के लिए ग्रीन टी बनाती है। वो मन में कहती है, मीनामी एक अच्छी लड़की है, मैं भी सुभाषा उसे पसंद करता है, पर शायद मुझे उस पर नजर रखना चाहिए। दादी माँ नोटिस करती है कि सुभाषा मीनामी के साथ बहुत खुश है, उसे ऐसे खुशी होते उन्होंने बचपन में देखा था, और उसकी खुशी से दादी माँ को भी बहुत खुशी मिलती है। इसी के साथ ही इस एनीमे का ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।